Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Welcome to my dream world. So guys, I am back with a new video and aap sab soch rahe hoge ki why am I so much ready? And yes, title padhke to pata chal hi gaya hoga ki yes, today is no challenge video or any makeup video. So aaj hum kar rahe hai part 2 of asking myself some questions to know. सो आपको भी पता चलेगा मेरे बारे में कुछ चीज़ें एंड मुझे भी खुद के बारे में कुछ पता चल जाएगा. आई डोंट नो व्हाट, बट यस, लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विदाउट एनी गाइस. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट आई मेक टाइम फॉर माई सेल्फ इन दिस वीक. सो इन दिस वीक मैंने सिर्फ लाइक निकाला है खुद के लिए टाइम, ऐसा नहीं, बट बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ये वीक से पहले मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मेरे एग्ज़ाम्स में गया था. एंड जिनको नहीं पता है कि मैं 11th में हूँ अभी एंड मेरे नवरात्रि में भी एग्ज़ाम्स चालू थे, तो मुझे नहीं उतना टाइम मिल रहा था खुद के लिए कि मैं खुद के लिए उतना टाइम दे पाऊँ. एंड प्लीज़ इग्नोर, मेरा आवाज़ बैठ गया है बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. एंड यस, मैंने लाइक नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स पे ही फोकस कर रही थी बिकॉज इट वॉज़ लाइक कि ना मतलब नवरात्रि भी है एंड ये एग्ज़ाम्स भी है, बट मेरे से क्या ही कोई उम्मीद रख सकते. मैंने नवरात्रि भी इंजॉय की, मैंने एग्ज़ाम्स भी किए एज ऑल, एंड येस आई गेव माई टाइम फॉर माई सेल्फ वेरी. सो गाइज, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वरीज मी अबाउट माई फ्यूचर. सो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरी वो चीज़ें वरी करती है कि लाइक जो मैंने सोचा है मेरे फ्यूचर में, जो मुझे जो चाहिए, जो चीज़ जो होनी चाहिए, तो वो चीज़ बस हो जाए, एंड अगर वो नहीं हुई तो मैं उसको कैसे करूँगी. एंड वही बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सबको पता है कि अपनी फ्यूचर में अगर ये नहीं हुआ तो क्या फील होता है उनको भी. तो या रात को जब भी मैं सोती तो मुझे यही ख्याल आता है कि लाइक मैंने जो सोची है चीज़ें जो मुझे मेरे फ्यूचर में चाहिए वो बस हो जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, तो यस वो चीज़ हो जाए. सो गाइस, आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू आई वांट मोस्ट इन माय लाइफ. तो आई वांट अचीवमेंट्स, आई वांट सक्सेस इन माय लाइफ. बहुत लोगों को बहुत चीज़ें चाहिए होंगी, बट मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट्स, सक्सेस चाहिए. एंड जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए वो मैं अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज बताने से आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ होएगी. सो या आई वांट कि मेरी लाइफ एकदम अच्छी हो. एंड या सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम आई मेकिंग टाइम फॉर माय सोशल लाइफ. सो यस, सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुद पे दे चुकी हूँ एंड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ मैं आजकल मेरी सोशल लाइफ को, लाइक फॉर माई यूट्यूब एंड माई फॉर इंस्टाग्राम. एंड पहले मेरा एक ही चैनल था ये वाला, एंड अब मैंने और एक चैनल खोला है जहाँ पर मैं मेरे डांस के रील्स डालती हूँ. बिकॉज मुझे ऐसा था कि अगर मेरे में कोई पैशन है, कोई मेरे मतलब मेरे में एक डांस का पैशन है, तो मैं वो चीज़ें लाइक आगे बढ़ाऊँ एंड सबको दिखाऊँ, ना ही वो मेरे में रखूँ सिर्फ. तो यस, आई मेक रील्स ऑन द चैनल. अगर आपको नहीं पता होगा वो चैनल का, तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, जाके वहाँ पर चेक कर लेना मेरा डांस चैनल. एंड और एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक डांस हब 13 करके यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ आईडी, तो वहाँ पर मैं डांस के रील्स डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो. ये वाला अकाउंट डाल देना वहाँ पर, एंड जो मेरा नॉर्मल अकाउंट है यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं ट्रांजिशंस एंड नॉर्मल रील्स वगैरह डालती हूँ एंड अपडेट्स डालती रहती हूँ यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब का, कि मैं वीडियोस कब पोस्ट करती हूँ एंड कब नहीं, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम आई अचीविंग द गोल्स दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ. तो मुझे मेरे जब मैं 10th में थी तब मेरा एक गोल था कि मुझे इतना इतना परसेंटेज आना ही चाहिए करके, एंड आई विल नॉट से द परसेंटेज कि मुझे कितना आया था, बट मुझे जितने भी परसेंटेज आए थे आई एम रियली हैप्पी एंड आई विल नॉट से माई परसेंटेज बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा होगा कि हाँ भाई फ्लॉन्ट कर ये करके एंड ऑल, मुझे दूसरों का नहीं पड़ा, बट स्टिल कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हाँ भाई फ्लॉन्ट कर रहे आए तो ठीक है करके, बट आई विल नॉट से. बट हाँ, मुझे ऐसा था कि मुझे 70 आने चाहिए, बट उसके अच्छे आए थे मुझे. एंड या दैट गोल आई अचीव्ड एंड आई गॉट सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, लाइक मेरी मम्मी के
थे दो तीन लोग, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया था उस चीज़ के लिए, मैंने इंस्टा पे हाइलाइट्स में डाली, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो येस, आई एम अचीविंग द गोल्स एंड मेरे और बहुत ज़्यादा गोल्स है। तो येस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू आई नीड टू चेंज अबाउट माई सेल्फ। सो आई नीड टू चेंज अबाउट माई सेल्फ इज ट्रस्टिंग समवन ब्लाइंडली एंड उनकी बातें लाइक ऐसे समझना कि नहीं भाई वही सच बोल रहे हैं एंड जो सामने वाला है, मतलब मेरे में ऐसी चीज़ है ना कि मुझे कोई कुछ बोल देना तो आई विल लाइक नहीं भाई उसको बुरा ना लगे मेरे बोलने से तो मैं ना बोलूँ, बट आई हैव स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ एंड आई विल नॉट से कि मैं क्या चेंज कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, उन्हें तो पता ही है कि मेरे में क्या चेंज हो चुका है, बट आई हैव सॉल्व दैट एंड आई डोंट ट्रस्ट एनी वन इतने अच्छे से एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज लाइक अभी के इसमें तो मैं बिल्कुल ना करूँ। एंड या आई नीड टू चेंज द वे आई एम लाइक किसी का भी सुन के लेना, किसी से भी बात कर लेना, लाइक जो बोल रहा है वो सुन लेना। नहीं, कोई कोई लोग हैं जो अभी भी मुझे पॉइंट आउट करते हैं हर एक चीज़ पे, बट आई डोंट केयर बिकॉज इट्स माय लाइफ, इट्स माय डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ आस्किंग मी। सो मेरी लाइफ मुझसे, अगर मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ मुझसे ये पूछ रही होगी कि एक्चुअल में तुझे लाइफ में क्या करना है, लाइक तुझे पढ़ाई करनी है या तुझे ये सोशल लाइफ करनी है या तुझे कुछ बनना है अपनी लाइफ में। तो अगर मेरे थिंकिंग ऑफ वे से मैं अगर बोलूँ तो माय लाइफ वुड बी आस्किंग मी कि तू जो भी करना चाहती है लाइक अपने लाइफ में वो कांस्टेंट रख अपनी लाइफ में, लाइक ये करना है तो करना है ऐसे वो, क्योंकि ऑब्वियस है कि लाइफ भी ऐसा रहेगा कि हाँ भाई तुझे करनी है तो तू एटलीस्ट फोकस कर उस चीज़ पर। तो यस, लाइफ मुझे यही पूछ रही होगी कि करना क्या है तुझे, एंड वो अब मेरे दिमाग में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू इट रियली मैटर्स व्हाट अदर्स थिंक अबाउट मी। सो पहले मुझे ये सब चीज़ें मैटर करती थी कि मतलब कोई मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है तो सही ही होगा, या कोई मुझे पॉइंट आउट कर रहा है तो वो सही ही होगा, एंड अगर कोई मुझसे लाइक बोलता ना बोल रहा है कि नहीं तू ये चीज़ पे रॉन्ग है, तू ये चीज़ पे राइट है वो भी रॉन्ग है उनके लिए, एंड बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते हैं अभी भी बोलते हैं, अभी ऐसा नहीं कि अभी नहीं बोलते अभी भी बोलते हैं, अभी भी ऐसे ही मुझे कहते हैं सब लोग कि अपने स्टडीज़ पे फोकस कर, ये क्या है सब सोशल लाइफ एंड ऑल एंड ऑल। भाई देखो, मैं ये सब बातें एक वीडियो में बताऊँगी कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, ना ही मेरे दोस्त, जो दोस्त थे वो भी बोलते थे एंड जो है वो भी बोलते, मतलब जो है वो अब भी अच्छे मिले हैं मुझे कॉलेज में, बट या जो लोग हैं जो रियली बोलते सब ये सब बोलते हैं, फॉर मी इट डजेंट मैटर्स बिकॉज मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो जहाँ पर इनको बोलना है वो बोले जहाँ पर, एंड मैं एक ऐसा सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना मुझे, एंड येस इट डजेंट मैटर्स फॉर मी इन माई लाइफ। सो गाइज, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड आई ब्रेक द लॉ टू सेव अ लव वंस। येस, अगर वो मुझसे बहुत बहुत क्लोज होगा एंड मतलब बोलते ना बहुत अंदर तक मुझे ऐसा होगा कि नहीं वो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, तो आई एम रेडी टू ब्रेक द लॉ फॉर हर और फॉर हिम हुएवर। तो या अगर मुझे किसी मतलब अगर मेरे लव वंस के लिए मुझे अगर कोई भी लॉ तोड़ना पड़े या किसी हद तक जाना पड़े तो या मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स माय ओवरऑल इंटेंशंस फॉर दिस डे। सो दिस डेज मेरा इंटेंशंस यही है कि मतलब जो मैंने मतलब सोचा है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगी तो या ये ही मेरा इंटेंशन हो जाना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ में, एंड ये अगर ये दिन मुझे पूरा अच्छे से बिताना है तो जो मैंने सेट किया है वही इंटेंशन से मैं चलूँ, ना ही मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ पीछे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज Who was the last person who I searched on my Instagram? So,
लास्ट मैंने सर्च किसी को भी नहीं किया है, मतलब मैंने अभी तक दो या नहीं हो गया है, 1 वीक हो गया, मैंने किसी को सर्च नहीं किया अभी तक. एंड या मैंने अभी तक किसी को सर्च नहीं किया. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड या बताना ज़रूर कि कैसा था ये वीडियो. आई नो कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसमें, बट किसी को मतलब किसी किसी लोग को अभी ये वीडियो देखने के बाद बहुत बुरा लगा होगा एंड किसी किसी ने छोड़ दिया होगा ये वीडियो देखना. बट जो सच है वो है मेरे लिए, तो जो सच है वो है. एंड या आई डोंट नो, पर अगर आपको वीडियो चाहिए जहाँ पर मुझे कौन पॉइंट आउट करता है, कौन क्या बोलता है, कैसे, अगर मैं आप सबको अगर आप सबको चाहिए कि मैं ये सब बातें आपको बताऊँ तो मुझे कमेंट कर देना. एंड या हो रहा है हमलिंग हो रहा है, बट फाइन. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन कि ये वीडियो कैसा था एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए. मीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.